राज्य महासचिव जाना चाहेंगे यहाँ मिड डे मील सभा के बाहर क्या मांग है? देखिए आज विधानसभा के प्रांगण के बाहर जो प्रोटेस्ट किया जा रहा है हिमाचल प्रदेश पिछले 20 वर्षों से जो है अपने जो है मध्याह्न भोजन के चलते अपनी सेवाएं दे रहा है। मिड डे मील वर्कर की अगर बातचीत की जाए कि आज यह प्रोटेस्ट क्यों किया जा रहा है, पिछले 5 महीने से जो है मिड डे मील वर्कर को 3500 का वेतन जो मात्र 3500 रुपए हिमाचल सरकार द्वारा अभी तक दिया जा रहा है, पिछले 5 महीने से जो है नहीं दिया जा रहा है। बड़े ही शर्म की बात है, महंगाई जो है जमीन से आसमान छू गई है, लेकिन मिड डे मील वर्कर के वेतन को महंगाई के आंकड़ों से नहीं जोड़ा गया है। हम सरकार से आज इस प्रोटेस्ट के माध्यम से रैली के माध्यम से पूछना चाहते हैं कि हम मिड डे मील वर्कर पिछले 5 महीने से जो वेतन नहीं मिला है किस तरह से अपने घर परिवार का गुजारा करे, किस तरह से अपने बच्चों को कुपोषण से दूर रखे, किस तरह से जो है अपने बच्चों की शिक्षा दीक्षा करवाए। आज ये सरकार से हम बात पूछने आए हैं, हम सरकार से पूछने आए हैं कि 3500 रुपए में जो है किस तरह से एक घर परिवार का गुजारा होता है। सरकार हमें बताए, सरकार हमें बताए कि ऐसा कौन सा मापदंड है जिससे जो है हम आसानी से अपनी जिंदगी का गुजर बसर कर सके। हम सरकार से कहना चाहते हैं कि मिड डे मील वर्कर को कम से कम 1 से 7 तारीख के अंदर जो है मिड डे मील वर्कर को वेतन दिया जाना चाहिए। इसके साथ साथ हम सरकार को कहना चाहते हैं कि अप्रैल माह में जो है 500 रुपए बढ़ाने की सरकार ने बात की थी और वेतन लागू करने की बात की थी 4000 रुपए वेतन, वह भी सरकार ने अभी तक लागू नहीं किया है। इस तरह से जो शोषण सरकार कर रही है इसे जो आगे आने वाले कल दिन में जो है बताई भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके साथ साथ 31 अक्टूबर 2019 को हिमाचल हाई कोर्ट ने मिड डे मील वर्कर के प्रति फैसला सुनाया था कि मिड डे मील वर्करों को 10 महीने के बजाय 12 महीने की तनख्वाह मिलनी चाहिए, लेकिन आज सरकार के आज 2023 भी बीतने वाला है, 8 दिन तक जो है सरकार के कानों में जूं तक नहीं रहेंगी है। आज हम आप लोगों को इस माध्यम से बताना चाहते हैं कि पंजाब सरकार ने हिमाचल हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार पंजाब में मिड डे मील वर्करों को 12 महीने का वेतन दिया जाता है, मिड डे मील वर्करों को वहाँ पर छुट्टियाँ भी दी जाती है। और अगर हिमाचल प्रदेश की बात करें तो सरकार आंगनवाड़ी वर्करों को छुट्टियाँ देती है जो कि वह भी एक स्कीम वर्कर है, लेकिन मिड डे मील वर्कर के साथ ऐसा सौतेला व्यवहार सरकार क्यों कर रही है? आज हम सरकार से पूछना चाहते हैं और साथ में मांग कर रहे हैं सरकार से आज इस प्रदर्शन के माध्यम से कि जिस तरह से जो है आंगनवाड़ी को 1 वर्ष में 20 छुट्टियां दी जाती है, मिड डे मील वर्कर को भी जो है 20 छुट्टियां जारी की जाए और इसे तुरंत वो जो है प्रभाव उससे जो है लागू किया जाए। इसके साथ साथ हम सरकार को कहना चाहते हैं ये जो मिड डे मील वर्कर की प्रतिवर्ष सैकड़ों के हिसाब से जो छंटनी हो रही है, सरकार ने शर्त लगा रही थी है कि जिस स्कूल में 25 बच्चा होगा वहाँ पर 1 मिड डे मील वर्कर काम करेगा और जहाँ पर 26 बच्चे होंगे वहाँ पर जो है 2 मिड डे मील काम करेगा। और जब हमारा वर्कर साथी 10, 12, 12 वर्षों के बाद स्कूलों में बच्चों की संख्या से घट जाने पर स्कूलों में खाली हाथ स्कूल से घर बैठता है, तब हमें बड़ा दुख होता है। हम सरकार को कहना चाहते हैं कि हिमाचल प्रदेश एक पहाड़ी इलाका है, यहाँ पर 25 और 26 बच्चों की संख्या छत नहीं चल सकती है क्योंकि पहाड़ी प्रदेश होने के कारण जो है जगह जगह पर गांव बसे हैं, जगह जगह पर गांव बसे होने के कारण स्कूल भी जगह जगह पर खोले गए हैं, इसलिए सभी स्कूलों में 26 बच्चों का होना संभव नहीं है। इसलिए हम सरकार को कहना चाहते हैं कि हिमाचल प्रदेश में इस संख्या छत को जो है हटाया जाए। इसके साथ साथ हम सरकार को कहना चाहते हैं कि जब स्कूलों में बच्चों की संख्या छत कम होती है, जैसे आज बच्चों की संख्या छत कम हो गई, कल को जो है फरमान जारी किया जाता है वर्कर को कि कल से जो है एक ही वर्कर स्कूल आएगा, लेकिन जब बच्चों की संख्या जो स्कूल में हो जाती है तो सरकार दूसरे दिन हमारे लिए वही फरमान जारी क्यों नहीं करती है कि कल से जो छंटनी होया हुआ वर्कर घर में बैठ रहा है वह अब बच्चों की संख्या होने पर स्कूल आ जाए। कई कई महीने भी जाते हैं फिर भी जो है वर्करों को जो है वहाँ पर जो है उसके जो है मिड डे मील के स्थान पर जो है उसे नहीं रखा जाता है। हम सरकार से कहना आए हैं कि मिड डे मील वर्कर जो है 8000 के लगभग 8000 वर्कर जो है हिमाचल प्रदेश में छंटनी के तौर पर बाहर हो चुका है, और हम सरकार से कहना चाहते हैं कि हिमाचल प्रदेश में जिस भी स्कूलों में या तो मिड डे मील वर्कर की जहां पर भर्ती होनी है या मल्टी टास्क वर्कर की भर्ती होनी है, सबसे पहले हमारा छंटनी किया हुआ वर्कर को जो है सबसे पहले प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इसके साथ साथ हम सरकार को कहना चाहते हैं कि मिड डे मील वर्करों के लिए जो है 10 महीने के बजाय 12 महीने का जो हाई कोर्ट का भी ऑर्डर है उसे जो है तुरंत प्रभावी ढंग से जो है लागू किया जाए, मिड डे मील वर्करों के छंटनी पर रोक लगाई
मिलनी चाहिए और प्रति माह मिट्टी मिल वर्कर को जो है 1 से 7 तारीख के अंदर जो है तनख्वाह मिलनी चाहिए। हम सरकार से मांग करते हैं कि आज सरकार ने जो न्यूनतम दिहाड़ी जो है 375 रुपये जो है सरकार ने घोषणा कर रखी है, मिड डे मील वर्कर भी मांग करता है कि मिड डे मील वर्कर को भी जो है एक दिन की जो है 375 रुपये दिहाड़ी मिलनी चाहिए। ये जानना चाहेंगे कुल कितने कितने मिड डे मील वर्कर हैं राज्य में, और अगर आपकी मांगों पर गौर नहीं किया जाता है तो आपका अगला कदम क्या है? जी, यदि मिड डे मील वर्कर की बात की जाए तो शुरू में जब ये योजना शुरू हुई थी 27,740 वर्कर जो स्कीम के अंतर्गत काम करता था, लेकिन आज वर्करों की छंटनी के चलते जो ये बच्चों की शर्त वर्करों के लिए रखी है, आज वर्तमान में 21,300 मिड डे मील वर्कर जो है हिमाचल प्रदेश में इस योजना के तहत जो अपनी सेवाएं दे रहा है। यदि सरकार ने समय लेते हमारी मांगों को नहीं माना आगे आने वाले कल दिन में, आज जिस तरह से ये टोकन में धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, कल दिन का जो हमारी आंदोलन की रूपरेखा बनेगी वह इस तरह से जो है एक दिन के लिए नहीं बनेगी। जब तक सरकार हमारी बातों को नहीं मान लेती है हम अपना आंदोलन जो है लगातार आगे चलाएंगे और तब तक अपने आंदोलन को जारी रखा जाएगा जब तक कि सरकार हमारी बातों को नहीं मान लेती है। मोदी सरकार पर हल्ला बोल, सुक्कू सरकार पर हल्ला बोल, 120 रुपया दिहाड़ी नहीं चलेगी।